हाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग माय ट्रेड व्यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में। कल के मतलब 28 सितंबर, आज 27 सितंबर, कल 28 है। कल फ्रेंड्स, कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक साथ एक्सपायरी होने वाला है, तो बहुत बढ़िया मूव हो भी सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स, ये आप जो डेटा FII डेटा देख रहे हो, ये 26 सितंबर का, इस डेटा अभी तक अपडेटेड नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। डेटा वो रात 8-9 बजे अपडेट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए हम लोग ट्रेड व्यू में कुछ चार्ट डेवलप हुआ कि नहीं ये देखते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग व्यू का हाइकनेसी चार्ट है। इधर आप लोग देख सकते हो कि एक टारगेट डेवलप हुआ था, पैटर्न डेवलप हुआ था 1 आवर टाइम फ्रेम में, जिसका फर्स्ट टारगेट था 916। आप साइड में 916 और 969, बहुत बढ़िया पैटर्न डेवलप हुआ था। फ्रेंड्स, 3 आवर्स का हाइकनेसी पैटर्न है। इधर डाउन साइड का एक पैटर्न तैयार हुआ, जिसका पहला वाला टारगेट है 529 और दूसरा टारगेट है 473। अच्छी बात यह है कि ये 473 एक्चुअली 450 to 500 बहुत बढ़िया सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। तो इधर मार्केट अगर आ भी जाता है तो बहुत बढ़िया पुलबैक हो सकता है ऊपर साइड में, ये तैयार है, ये क्लियर है, देयर इज नो सच डाउट। मार्केट अगर 450 तक आज आ भी जाएगा तो वो अगेन पुलबैक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग निफ्टी को जो स्पॉट का चार्ट है उधर देखते हैं, हम लोग कल निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उसका जो लेवल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, निफ्टी का जो जर्नी इधर से शुरू हुआ था, वो प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के 20,000 तक रीच किया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, अभी फिलहाल 700 के आसपास है। ये 550 का लो है, और अगर इस पॉइंट तक हम लोग जज करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इधर ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का करेक्शन हुआ, और ये जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का जानी है, और ये 1000 पॉइंट का जानी के बाद 700 रिट्रेसमेंट बहुत बढ़िया अच्छा रिट्रेसमेंट है, और ये जो सिग्नल है ये प्रॉपर अप ट्रेंड का सिग्नल है। मार्केट अगर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ये जो 20,200 के आसपास मार्केट जब आएगा, तब मार्केट में एक बढ़िया मूव मिलेगा, जो मार्केट को अबाउट 800 to 1000 पॉइंट का मूव देखे जा सकता है। और ये जो ट्रेंड अपसाइड का शुरू हुआ वो बहुत अच्छी बात है। और अगर मार्केट 500 को ब्रेकडाउन किया किसी तरह, मार्केट अगर 500 को ब्रेकडाउन किया तो मार्केट रुकने वाला नहीं, 200 तक जरूर आएगा। फ्रेंड्स, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम का डिस्कशन है, चलिए देखते हैं कल के ट्रेड के बारे में। मार्केट फिलहाल 700 के आसपास है, 716 पे है। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, और उसके बाद इधर सस्टेन कर जाए, 20-30 मिनट सस्टेन कर जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर दिशा में ब्रेकआउट किया तो हम लोग सी का ट्रेड लेंगे, ये तो क्लियर है, और नीचे दिशा में ब्रेकडाउन किया तो हम लोग पी का ट्रेड लेंगे। कल मार्केट में दोनों साइड का ट्रेड ही पॉसिबल है। इवन ये भी हो सकता है कि सपोज मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर भी मार्केट नीचे आ सकता है। 3-4 ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेना थोड़ा सा दिक्कत वाली हो जाएगा कल के लिए, थोड़ा सा इस रेंज का वेट करना पड़ेगा। अपर साइड में ये जोन जो आता है 750 का लेवल है, और नीचे साइड में ये जोन जो 677 और 680 का लेवल है। 680 टू 750 इधर ट्रेड लेना सही नहीं होगा। फ्रेंड्स, इधर मार्केट कंसोलिडेशन में रहने का चांस ज़्यादा है, और इसी का भी ट्रेड लेता हूँ तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इस रेंज में थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। उसके बाद मार्केट अगर 750 का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग सी में एंटर करेंगे, और मेरा पहला जो टारगेट वो ये वाला रहेगा जो है 850, और दूसरे वाला जो टारगेट वो ये रेंज रहेगा जो 900 के आसपास है, और इस रेंज को भी मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो 980 का बहुत बढ़िया रेंज, बहुत बढ़िया टारगेट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, क्योंकि रेंज बना है ना, इस रेंज में बहुत सारी ट्रेड तैयार हुआ जिसका स्टॉप लॉस है इधर 760 के आसपास, इधर का स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो ये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते जाएगा, और इसी के वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का रैली आ जाएगा, जो मार्केट को इधर भी लेके जा सकता है। और दूसरी दिशा में मार्केट अगर ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेकडाउन करता है, उधर भी एक शॉर्ट कवरिंग का बहुत बढ़िया मूव आने वाला है, जो मार्केट को 520 और उसके नीचे 480 तक ले जा सकता है। पहले वाला 520 और दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो 480, इसी लेवल को भी मार्केट आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है,
सपोज मार्केट इधर गैप अप हुआ, इधर ओपन हुआ, इधर ओपन हुआ मार्केट, तो इधर मार्केट अगर ओपन होता है ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, इधर प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इधर अगर मार्केट इस टाइप का कोई पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड का बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, और मार्केट अगर इधर सस्टेन होकर ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, तो भी हम लोगों का कॉल साइड का बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, मार्केट अगर गैप डाउन होता है, सपोज मार्केट इधर ओपन हुआ, इधर इसी सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ, और उधर हम लोग एक प्रॉपर बुलिश कैंडल अगर हम लोगों को मिलता है तो हम लोग कॉल के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो इधर थोड़ा सा वेट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट इधर अगर सस्टेन हो जाता है 20-25-30 मिनट के लिए, उसके बाद ब्रेकडाउन भी पॉसिबल है, और ये अगर होता है तो मार्केट 488 तक मार्केट इजीली जा सकता है, और उसके बाद तो पुल बैक का बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो 450-480 ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, ये ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, कि अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट सीधा 19,200। तो फ्रेंड्स कल बहुत कसासी ट्रेड करना पड़ेगा, दोनों साइड का मूव पॉसिबल है, और कल तो एक्सपायरी है आपको तो मालूम है, इसीलिए दोनों साइड का मूवमेंट ही पॉसिबल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।